फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पजल नंबर 31 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पर एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अंदर कुछ नंबर्स साइड में दिए गए हैं और बीच में क्रॉस है और उस क्रॉस के अंदर भी कुछ नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो जैसे कि आपको पता है, आपको 30 सेकंड दिया जाएगा और आप अगर उस 30 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए, अब आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखते चलें। तो चलिए फ्रेंड, अब आपका समय समाप्त होता है। आई होप कि आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा, पर अगर किसी कारण से आप इस पजल को नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, अब मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 दिया हुआ है, यहां पर 3 दिया हुआ है और यहां पर 1 दिया है। तो इसका मतलब इन तीनों नंबर को लेके हमें कुछ ना कुछ ऐसे रिलेशन निकालने पड़ेंगे जिससे कि हमारा 14 आ रहा है। तो अगर आप 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है और 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है। तो 9 और 4 13 और 1 14, तो यहाँ पर 14 आ रहा है। उसी तरह इसका 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का 36 होता है और 5 का 25 होता है। तो 36 और 4 40 और 25 65। तो इसका मतलब इस तरीके से ये जो है नंबर आ रहा है। तो यहां पर भी क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 16 एक 17 और 17 और 9 क्या होता है 26। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो 26 होगा। तो इस तरह से इस पजल को हमें सॉल्व करना था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पजल देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पजल नंबर 32 आपके स्क्रीन में आ चुका है। यहाँ पर भी उसी तरह से स्क्वायर दिए गए हैं और उसके अंदर कुछ नंबर्स हैं और बीच में क्रॉस के अंदर भी आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो चलिए, रूल के हिसाब से आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है और अगर आप इसमें सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। तो चलिए, अब आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखते चलें। चलिए दोस्तों, अब आपका समय समाप्त होता है। आई होप कि आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा, पर अगर किसी कारण से आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, अब मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं 3 है, यहां पर 2 है और यहां पर 9 है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों से आपको जो है रिलेशन ढूंढना है जिससे कि 15 आ जाए, उसी तरह यहां पर 3 आ जाए और उसी तरह यहां पर 32 आ जाए। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर आप देखेंगे तो 3 2 6 प्लस 9 15, मतलब इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है और जो रिजल्ट आ रहा है वो 9 के साथ ऐड हो रहा है। तो यहां पर भी अगर आप यहां पर देखेंगे तो 0 × 5 0 और प्लस 3 क्या आएगा, 3 होगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्शन है वो आपका ऐसे चल रहा है, जैसे यहां से इस तरफ चल रहा है फिर ये इस तरफ चल रहा है, डायरेक्शन बिल्कुल जो है एक ही तरफ होना चाहिए। तो यहां पर भी आपका क्या है कि डायरेक्शन आपका ऐसा होगा, तो क्या होगा 4 8 32 प्लस 0 32। तो यहां का डायरेक्शन आपका कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो 9 1 9 और 9 प्लस 4 13, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, 13 होगा। तो इस तरह से इन पजल्स को सॉल्व करना था। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि इन पजल्स को आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।